हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खुशखबरी। सरकार ने संविदा शिक्षकों के लिए अभी अभी की बड़ी घोषणा। ये जो हम आपको खबर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं पत्रिका अखबार के हवाले से, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से लगभग YouTube में बहुत सारे चैनल्स इस बात के लिए आपको कह रहे हैं कि संविदा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, ये तारीख है, ये सिलेबस है, इतनी वैकेंसी है। तो इसकी पड़ताल करने के लिए हमने भी ट्राई किया और जो बात समझ में आई यही है कि हाँ, ये बात सही है कि जल्दी ही संविदा शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और ये जैसे ही पटवारी की प्रक्रिया पूरी होगी, फाइनली एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद संविदा शिक्षकों के लिए व्यापम को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो व्यापम यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्दी ही आवेदन फॉर्म निकालकर परीक्षा करा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो परीक्षा है वो चरणबद्ध तरीके से होगी। और जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके अनुसार एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है और जिसमें लगभग 41,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दी गई है। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि इसी साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म आ जाएंगे। और जहां तक उम्मीद है कि जो नया वाला सेशन है उसके प्रारंभ होने के पूर्व ही यह पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये जो पूरी भर्ती की कार्रवाई है, जो परीक्षा है, वो कराएगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम। फ्रेंड्स, और जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि लगभग 3 महीने ये परीक्षा चल सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह परीक्षा चरणबद्ध तरीके से होगी, क्योंकि सरकार को भी इस बात की पूरी संभावना है कि प्रदेश में जो बेरोजगार लोग हैं और एक लंबे समय से चूँकि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो एक बड़ी संख्या में लोग इन पदों के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि व्यवस्थाएँ हो जाएँ, तो उन सब को नियंत्रित करने के हिसाब से इस बार जो परीक्षा है विभिन्न चरणों में कराया जाएगा। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा 2 से 3 महीने भी चल सकती है। और हमारे चैनल का ये कहना है कि ये जो परीक्षाएं हैं, उम्मीद है कि मार्च माह में संपादित होंगी, मार्च अप्रैल माह में। और जो फॉर्म है, हो सकता है आपको फरवरी माह में ही एडवर्टाइजमेंट आ जाए। इसके बारे में हम आपको चैनल के माध्यम से सूचित करें। वित्त विभाग भी दे चुका है मंजूरी। और यह भी बात सामने आ रही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का वित्त विभाग है, उसने स्कूल शिक्षा विभाग को 41,000 पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए मंजूरी दे रखी है। लेकिन अभी यह भी सुनने में आया है कि वित्त विभाग ने 41,000 के स्थान पर 18,000 पदों पर ही भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, इसलिए दोबारा शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। और अभी इसमें फाइनली क्या डिसीजन है, बहुत क्लियरिटी नहीं है। अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग बात कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किन किन पदों में भर्ती होनी है, इसमें संविदा शिक्षा वर्ग 1 में लगभग 10,000 पद हैं, वर्ग 2 के लगभग 11,000 पद हैं और वर्ग 3 के 19,000 पद हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है, वित्त विभाग के पास स्वीकृत के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पदों की संख्या को लेकर अभी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग अधिक पदों की मांग कर रहा है, वित्त विभाग उतने पदों पर स्वीकृत नहीं दे पा रहा है। फिर भी जो भी होगा जल्द ही फैसला आएगा और आपके सामने हम अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक ये प्रयास था जो आजकल कयास चल रहे हैं संविदा शाला शिक्षा भर्ती के संबंध में, वो आपके सामने लाने का। विभिन्न चैनल अलग अलग बातें बता रहे हैं और इसके बारे में हम आपसे यही अनुरोध करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बार ऐसा भी सुनने में आया है कि जिन लोगों ने बीएड नहीं कर रखा है या डीएड नहीं कर रखा है, उन्हें भी इस भर्ती परीक्षा में मौका दिया जाएगा। तो इसके बारे में चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बीएड कर रखा है या डीएड कर रखा है, उनको बोनस के रूप में अंक दिए जाएंगे, ऐसा अनुमान है। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी संतुष्ट करने के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो 2018 है उसमें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जो
जो भी पार्टी पर सरकार पे होती है तो कुछ इस तरह से नीतियां बनाती है कि कोई भी पक्ष असंतुष्ट ना हो, सभी को साथ में लेके चला जाए। और लगभग यही वजह है कि अभी जो पटवारी की भर्ती प्रक्रिया हुई उसमें भी आपने देखा कि सभी को मौका दिया गया। तो सेम यही सिनेरियो आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी होने की संभावना है, संविदा सारा शिक्षक में भी होने की संभावना है। तो दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये है कि इस बार महिलाओं की जो वैकेंसी होगी उसमें रिजर्वेशन ज़्यादा होगा, लगभग 50% ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके बारे में घोषणाओं के बारे में भी किसी समाचार पत्र में आया था, तो देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन अभी तक का अपडेट इतना ही है हमारे पास, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और लोगों को बताएं। जैसे ही कोई नई सूचना आती है हम आपको उसके बारे में तत्काल बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।